केपी त्रिपाठी ने बहुत गलत किया है ये तिलनी गांव में, आप लोग देख लीजिए, ये देखिए जबरदस्ती रोड पड़ रही है। एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है, आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड ना पड़ जाएगी। केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है, आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड ना पड़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं स्वाति। एक बार फिर हम हाजिर हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की तानाशाही और वोट ना देने वाले जनता जनार्दन को कुचलने की साजिश से जुड़ी हुई खबर लेकर। केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है, आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड ना पड़ जाएगी। सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि देशभक्ति जनसेवा की कसम खाने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी जनता को कुचलने वाले नेताओं के सामने नतमस्तक हैं, जिन्हें अपने ही फैसले नेताओं के दबाव में आकर चंद मिनटों में बदलने पड़ते हैं। जब इस तरह के फैसले होंगे तो लोग कैसे इनसे किसी प्रकार के न्याय की आशा रखेंगे। केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मनकहरी गांव का है, जहां पुस्तैनी जमीन पर शासन प्रशासन डंडे के बल पर फसल को कुचलते हुए सड़क बना डाली। आज भी जिले में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, पर अगर जनता के चुने हुए विधायक जो जनता को कुचलने अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए शासन प्रशासन का उपयोग करते हैं, उनके इशारे पर शासन प्रशासन कैसी भी गिरी हरकत कर सकता है और चंद घंटों में सड़क बन जाती है। दरअसल मनकहरी ग्राम पंचायत के तेलनी टोला से कुशवाह मार्ग को जोड़ने के लिए सड़क बनाना था। उक्त मार्ग शासकीय जमीन की आराजी नंबर 1938/2 से निकालना था, लेकिन स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी को जानकारी हुई कि इस जमीन से लगी हुई उनके विरोधियों की जमीन है, जिसका नंबर 1940 और 1941 है। फिर क्या था, केपी त्रिपाठी अपना जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य भूलते हुए तानाशाही पर उतारू हो गए और आनन फानन में अपने चहेतों को निर्देश दे दिया कि वह तो मार्ग शासकीय जमीन नंबर 1938 से नहीं 1940 और 1941 से ही निकलना चाहिए। हालांकि पीड़ित सुरेश शर्मा जमीन मामले को लेकर कलेक्टर न्यायालय पहुंचे, जहां से उन्हें 7 दिवस के लिए स्थगन दिया गया, लेकिन जैसे ही जानकारी विधायक को हुई तो विधायक ने दबाव बनाकर चंद मिनटों में ही उक्त आदेश को निरस्त कर आनन फानन में चंद घंटों में ही खड़ी फसल पर जेसीबी चलवाकर मिट्टी डलवा दी। आपको बता दें कि न्यायालय के सैकड़ों ऐसे मामले पेंडिंग हैं, जहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यही जिला प्रशासन उक्त आदेशों की धज्जियां उड़ाता है। धन्य है रीवा का कलेक्ट्रेट, जहां के घूसखोर अधिकारी चंद मिनटों में ही अपने आदेश बदल देते हैं। हालांकि कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली किसी से छिपी नहीं है, इसके पहले कई रीडर रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं, जो यही आदेश बदलने के लिए रिश्वत मांगी थी। ऐसे प्रशासन से आम जनता को कोई आशा भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर जनप्रिय और विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला ने भी गरीबों की नहीं सुनी और पुस्तैनी जमीन पर जेसीबी चलवा दी। पीड़ित परिवार प्रशासनिक अमले के सामने गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि नाप जोक करा कर सड़क का निर्माण कराया जाए, लेकिन विधायक के सामने नतमस्तक अधिकारी ने एक नहीं सुनी। आपको यह भी बता दें कि इस जमीन से लगी शासकीय जमीन खाली पड़ी है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब तानाशाह हो जाए तो प्रशासन भी उसके सामने वैसे ही दुम हिलाता है जैसे एक रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ता दुम हिलाता है। इनकी करतूतों का परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। जनता के दुख सुख से प्रशासनिक अमले को कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अपनी मलाईदार कुर्सी बचाकर रखना है। इन्हें मलाईदार पदों पर पदस्थापना चाहिए और वह पदस्थापना दिलवाने में विधायक का हाथ होता है। मनकहरी गांव से आधा दर्जन पीड़ित ग्रामीण हमारे कार्यालय पहुंचे और आप बीती बताई। पीड़ितों ने कहा कि अपर कलेक्टर ने 7 दिन का स्टे दिया,
लेकिन कुछ ही घंटों के बाद अपने ही आदेश को निरस्त कर चंद घंटों में ही सड़क का निर्माण करा दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों पर विधायक को शक है कि चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया था और दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, जिसका खामियाजा आज किसानों को अपनी खड़ी फसल पर एक बार फिर जेसीबी मशीन चलवाकर भुगतना पड़ा है। आइए पहले आपको दिखाते हैं पूरी घटना, किस तरह से पीड़ित परिवार गिड़गिड़ाता रहा और प्रशासन तानाशाह बना हुआ एक नहीं सुना और विधायक के चमचे नंगा नाच करते हुए किसानों की खड़ी फसल को रौंद दिया। इसके बाद सुनाएंगे स्थानीय लोगों ने किस तरह के शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। केपी त्रिपाठी ने बहुत गलत किया है, ये तिलनी गांव में आप लोग देख लीजिए, ये देखिए जबरदस्ती रोड पड़ रही है, इसमें आपको न पाना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ कि आप सही बताइए, आपसे निवेदन है ये, एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है, आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड न पड़ जाएगी, आप बताइए सर। ये देखिए एक गाड़ी डंपर खड़े हैं, केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। देखिए एसपी भी क्या खड़े हैं तो लड़के जब लड़का देखी ही हम देख चुके हैं बाइकल पागल तहन हम बन के तब हो गए चल उतने में देखने के डीएम साहब कहने के इतने को और तो वहां केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है, आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड न पड़ जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा रोहित शर्मा नाम है। किस तरह से आपकी जमीन पर सड़क बना दी गई और आपने क्या प्रयास किया था, प्रशासन कैसे मनमानी किया, किसके सह पर? सर यहाँ पे जमीन में झगड़ा हो रहा था, रोज विरोधी पार्टी ने वहाँ पे आते थे और डायरेक्ट पोंगा होगा अपने से मनमानी करते थे। हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ गए तो वहाँ से स्टे लिया गया, स्टे दिया गया कि आप 7 दिन का टाइम है, आप अच्छे से नपाज उखा लीजिए, सब आवेदन दे दीजिए। ये राजनीतिक दबाव के कारण ये स्टे निरस्त किया गया और हम लोग वहाँ पे जब शासन प्रशासन आया तो हम वहाँ पे बोले उनसे, डीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, साहब कि हमारी ज़मीन जो है पट्टे की नाप के अलग कर दिया जाए, सीमांकन हो जाए उसके, तो हम लोग को मार के भगा दिया जाता था वहाँ से। सर क्या कारण रहा कि 19 तारीख को आपको पहले 7 तारीख को श्रेय मिला और फिर उसी दिन तुरंत निरस्त कर दिया गया 7 दिन के बाद? मतलब 7 दिन का भी अवसर नहीं दिया, 1 दिन का भी नहीं दिया। सर ये राजनीतिक दबाव है और इन्हें माननीय केपी त्रिपाठी जी का, उन्होंने नहीं सुना और ज़बरदस्ती हमारे खेत में, उसी के बगल से सरकारी जाती है, वहाँ से नहीं बनाए और हमारे खेत से लगातार गाड़ी चलती गई, रोड बनाते गए, हम लोग चिल्लाते रह गए, महिलाएं चिल्लाते रह गई, कोई सुनने वाला नहीं था। सर पुश्तैनी ज़मीन है आपकी? पुश्तैनी ज़मीन है सर, पट्टे की ज़मीन है। कितनी ज़मीन पर कब्जा कर दिया ये सर? क्या नाम है, 150-200 मीटर के लगभग। जब इससे दिया गया था तो आपने बताया था कि क्या हकीकत क्या है उसकी? हाँ स्टी सब कुछ दिया गया था, कागज कार्रवाई मेरी सब कंप्लीट थी, कलेक्टर साहब ने खुद स्टे दिया था मुझे और स्टे दिया, शाम को निरस्त कर दिया। जी सर किसके क्या मामला था पूरा, कैसे स्टे निरस्त हुआ ये राजनीतिक दबाव के कारण हमें पता चला कि 20 तारीख को रोड बनेगी यहाँ से हमारी ज़मीन से, तो हमने और विरोधी पार्टी ने ये जान तो हमने मतलब अपनी ताकत से हमने स्टे लिया। उसके बाद हमें 7 दिनों का स्टे मिला था कि कोर्ट अदालत में सब कुछ क्लियर हो जाए, जांच वगैरह हो जाए, सीमांकन हो जाए, उसके बाद रोड बने। लेकिन अगले ही तारीख को जिस दिन हमें मिला स्टे, उसके अगले ही तारीख को स्टे निरस्त हो गया है और उसके अगले ही दिन बिना किसी को सूचित किए
वहाँ पे दो जेसीबी आ गई, तीन डंफर आ गए और कम से कम नहीं तो 150 पुलिस वहाँ फोर्स बल से आ गई और हमारी गांव की हमारी घर की महिलाएं हम लोग सब कुछ चिल्लाते रह गए कि कोई नाप ले नाप ले, जहाँ पे सरकार वहाँ पे ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं नापते थे, हमें लाठी डंडों से मार के भगा देते थे और यही बोलते थे कि चले जाओ यहाँ से, नहीं मुकदमा कायम कर देंगे। क्या मानते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए विधायक के पी पार्टी ने आपकी जमीन सड़क बनवा दिया सरकारी को? हम लोगों को तो यही लगता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है, नहीं तो हमारी ज़मीन को मतलब उनको नापना चाहिए ना, जब ये सरकारी ज़मीन है पास में। हाँ सरकारी करवाई गई है, सरकारी पहले से नहीं पहले थी, से भी नहीं थी। नहीं। पहले से भी नहीं थी, जो नंबर है उसका उसको पर नहीं बनवाई गई, जो सरकारी का नंबर भी हुआ उस पर भी नहीं बनवाई गई भाई, उसमें नाप नहीं हुआ। जब पुलिस वाले आए तो हम लोग बोले कि भाई जब अधिकारी आएंगे तो नाप होगी, तो पुलिस वाले बोले कि हाँ विधिवत नाप होगी, इसके बाद रोड पड़ेगी। लेकिन 3-4 बजे तक जब SDM लोग आए और डायरेक्ट JCB लगाकर रोड डलवाने लगे। एक तो पहले आपकी ज़मीन सरकारी करवाई गई, फिर हाँ। सरकारी को छोड़कर फिर और जो बची थी उसमें से सड़क बनाई गई। जी सर, पट्टे की ज़मीन में सड़क बनाई गई है। कितने समय से कब्जा था वहाँ आप लोगों का? ये हमारा पुस्तैनी कब्जा है और मुझे माननीय विधायक जी से निवेदन इतना था कि हमने गलती क्या की थी, क्या हम अपनी ज़मीन पर जोत बो रहे हैं, ये हमारी गलती है। जब आपके पास शासन की ज़मीन उपलब्ध है, अगर आपने ठीक है पहले नहीं नक्शे में थी, आज अपने डालवा ली 2003 पे, तो उस पर आप डलवाते, या आप मेरी ज़मीन पर डलवा रहे हैं, ये गलत है। फिर बिना सूचना, पूर्व सूचना आपने किसी तरीके से नहीं दी, आप अमला लेके पहुंच गए, धक्का मुक्की आपने शुरू कर दी। आपके द्वारा जो लोग थे वो किसी तरीके सुनने को तैयार नहीं थे, हम अगर जाएं तो हमें भगा रहे थे विरोधी दल जो ले जाना चाह रहा था। अच्छी बात है, ज़मीनें चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन जहां पर हमारा सिर्फ इतना मानना है कि आप हमारी ज़मीन 1940-41 को अलग कर दें, 1938/2 में ज़मीन निकलती है, आप वहां से ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी ना, पर सिर्फ इतना निवेदन है कि विधायक जी हमारी ज़मीनें तो करें, वो जनता की प्रतिनिधि है। स्पेशल आदेश था क्या कि इस जमीन पर बनाया ही जाए, जिस तरह से पहले आदेश दिया गया फिर निरस्त किया, मतलब हर हाल में बनाना ही था। अगर आदेश नहीं होता, आदेश नहीं होता या किसी का दबाव नहीं होता तो एक दिन में कैसे निरस्त हो गया? हमें शाम को स्टे मिल रहा है, आपने किसी तरीके से हमें दिया ही नहीं, ठीक है 26 तक को हमको दिया गया था कि आप 26 तक कार्रवाई करें, लेकिन आपने दूसरे ही दिन निरस्त कर दिया और सीधे दलबल के साथ आ गए। राजेंद्र शुक्ला जी से भी मुलाकात हुई थी, मुलाकात क्या कहा था उन्होंने? राजेंद्र शुक्ला जी पहले तो बोले कि ठीक है जांच करवाते हैं, लेकिन फ़ोन आने के बाद KP त्रिपाठी जी का ही फ़ोन आया होगा, जिसका भी आया हो निश्चित तौर पे उन्हीं का आया होगा, तो उन्होंने कहा यही इतना कि बस नहीं वो शासकीय है और आज ही बनेगी वो रोड, क्योंकि अभय मिश्रा के आप लोग हैं। हम कहते हैं आदमी किसका होता है, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, आप तो आपकी सबकी सुनेंगे, आज आप हैं कल वो रहेंगे, ठीक है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई चलिए आप देखेंगे, और आपने किया क्या, आपने किसी तरीके से जांच नहीं करवाई और आपने सीधे दलबल के साथ आदेश दिया कि अभय मिश्रा की ज़मीन है और उसका उसके साथ रहने वाला है, सीधे आप ज़मीन में रोड। कुल मिलाकर आप लोग ये चाह रहे थे कि 7 दिन का जो अवसर मिला उसमें नाप हो जाए, अगर आपकी ज़मीन फंसती है तो आप पर बन जाए, जो सरकारी जी जी। तो फिर किस तरह से फिर क्यों नहीं माने सर? नहीं माने, ऊपर से दबाव था कि माननीय के हर हाल में और ये बोल दिया गया कि ये अभय मिश्रा के आदमी है। हाँ। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कोई बोलेगा तो सीधे जेल बंद कर दो, मामला दर्ज। हाँ मुकदमा दर्ज। कौन कह रहा था? SDM कह रहे थे और मार के। कौन थे SDM वहाँ मौजूद थे? अनुराग सर। अनुराग त्रिपाठी जी सर। जी जी पूरा पूरा। और वो किसी तरीके से कोई बात किसी लेडीज की भी नहीं सुनने को तैयार थे, और लेडीज को वो सीधे भगा देते थे कि देखिए कुछ नहीं हो सकता, हमने कर लिया है, हमने आपकी सुन लिया। जो हमारा जो मतलब है, कब से वो जमीन थी आप लोगों की? अब क्या नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हो गया? हमारा नुकसान हो गया, पुसैनी जमीन है इसका। मैं पट्टेदार ऋषिकांत उपाध्याय बोल रहा हूँ। हमसे निवेदन ये है KP त्रिपाठी जी से, मतलब हमारे पट्टे के जमीन में उसका नाप नहीं हुआ, अनाप होने के कारण उसमें हमारे पट्टे की जमीन में मतलब रोड बनवाई गई। निवेदन मैं ये KP त्रिपाठी जी से ये निवेदन करता हूँ, जनता का सेवक सबसे ज़्यादा उसका जौन है तो राजा होता है, ये नहीं है उसका कानाव है जनता का कोई नहीं है तानिए साई से और KP त्रिपाठी गुंडई से। हमारे रोड में हमारे ज़मीन में रोड बनाया गया। अक्सर देखा जाए पहले जर मोहरा में भी आप लोग देखे होंगे कि फसल नष्ट करा दी गई, तानाशाही, झूठे मामलों में फंसा देना, तो क्या लगता है कि बदला लेने की नियत से कि अभी एक साल बचे हैं तो जितना भी लोग विरोधी हों जमीन हड़प लो मामला दर्ज, इस तरह से कुछ चल रहा है क्या? इसी तरफ से चल रहा है हमारा। हमको बोलते हैं हमको बोलते हैं बोले कि मतलब ये हमसे बोलते हैं तुम अभय मिश्रा के आदमी हो तो इसलिए कहना है हम रोड में डरवाऊंगा
सीधी सी बात है, आपके क्षेत्र में 2 लाख वोटर हैं, इनको 40,000 वोट मिली, तो सीधी सी बात है कि एक कम से कम 160 जो लोग हैं, है ना, तो वो तो अलग होंगे, तो सबको मतलब ये इसी तरह से तानाशाही में बदला। हाँ, इसी तरह से तानाशाही लेके अर्जबजती हमारे जमीन में रोड बनाया गया, पुलिस शासन बोलता है भाग जाओ और नहीं तो तुमको मुकदमा कारू। आप जानकारी से कि आप लोग न्यायालय में भी थे, न्यायालय में दिया है ना, वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पेशी चल रही है, पेशी चल रही है, अवसर नहीं दिया गया किसी को, कुछ नहीं दिया गया। अब क्या चाहते हैं फिर अब आप लोग? सर हम ये चाहते हैं कि मतलब तानाशाही ना हो, हमारी जितनी जमीन है नाप के अलग कर दिया जाए, या जहाँ से सरकारी है वहाँ से बना दिया जाए, त्रिपाठी से भी आप बात की थी? जी सर, उन्होंने मिले ही नहीं है, मिले ही नहीं, मैं गया वहाँ पे उनके बगले पे तो मिले ही नहीं, वो कहीं चले गए थे, और फिर मैं मंत्री जी के यहाँ भी गया, राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ भी गया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी जो पी है उनको बोले कि इनका काम देख लो, उन्होंने डायरेक्ट केपी त्रिपाठी जी को फ़ोन लगा दिया, और फिर उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई यही बोले कि अभय मिश्रा के आदमी हैं, इनके कह में रोड बनना ही चाहिए, बीच खेत से बननी चाहिए रोड। केपी त्रिपाठी दमन कर रहे हैं शासन प्रशासन का उपयोग करके, वही इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तभी पुलिस बल सुबह 11 बजे हमारे यहाँ आ गई थी हमारे गांव, और पूरी बल आई थी पूरे, मतलब वहाँ पे जो एसआई सर लोग थे सब यही बोलते थे, हम लोग फोटो या वीडियो खींच ले बना ले तो सीधे रजिस्टर में नाम दर्ज कर लेते थे, बोलते थे हो सकता है झूठे मामले बना के और भी जेल भी करवाए, उनके आदमी खुद उनको ले जाके हंसते थे, वहीं पर रहते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर हम वहीं पर चले जाएँ, हमारी ज़मीन है, वो पट्टेदार भी नहीं है जो वहाँ पर थे, वो पट्टेदार भी नहीं थे, लेकिन हम लोग पट्टेदार है फिर भी हमको भगा देते थे वहाँ से मार के। कुल मिलाकर प्रशासन सर वहाँ पे क्या हुआ था, मेरी बात सुनिए, वहाँ पे क्या हुआ था सर कि जो विरोधी पार्टी थी जो हमारे खेत से रोड ले जा रही थी, जो केपी त्रिपाठी के आदमी थे, उन्होंने खड़े होकर खुद रोड बनाई है, उस मुकेश मिश्रा है, मुकेश मिश्रा और अरविंद इन्हीं के लोगों के खिलाफ केस चल रहा है जी अधीन है जी सर, मुकेश जो है तो खड़े हो कि रोड बनवाए कि यहीं से रोड बनाओ, और कोई शासन प्रशासन उसको वहाँ मतलब हटाना नहीं चाहती थी, सपोर्ट कर रही थी, और हम लोग जाते थे, हमारा खेत हमारा जमीन है, तो हम लोग क्या नाम है भगा के भगा देते थे। आपकी जमीन जो है उसका क्या नंबर है, और आपकी कौन सी जमीन का नंबर है जिस पर कब्जा किया? हमारी जमीन का नंबर 1940-1941 है, और शासकीय जमीन है 1938/2 में लगी हुई है। हाँ, मेरे बिल्कुल बगल से ही जमीन है, जो वर्तमान का वर्तमान में जो नक्शा दिखा रहा है उसके अनुसार, अगर उससे भी बनाई जाती है तो आराम से सड़क बनाई जा सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाइए, अगर वो रोड लगी हुई है और जमीन खाली पड़ी हुई है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि आप नियमानुसार आपको काम करना होता तो आप करते ही उसमें, आप ये सिधाई लेकर के कि ये सीधा जा रहा ये कौन सी बात होती है। मिलाकर आपको प्रताड़ित करना था, आपको इसलिए प्रताड़ित करना था कि उनको शंका है कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया केपी त्रिपाठी को, बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पर उन्हें होगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे आगे? अब हम न्यायालय कार्यवाही और विधायक जी से निवेदन भी है कि एक बार तो एक नाप झुक तो कराएं, ठीक है, केपी त्रिपाठी जी और उच्च अदालत, हम उचित अनुचित तो ठीक है, उच्च अदालत पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हमें तो न्यायिक प्रक्रिया से रखना है। अब देखिए विरोध तो हम कर किस तरीके से, आप मीडिया आप सब हैं, और हम यहाँ तो चाहेंगे कि भाई आप आगे भी इन चीज़ों को बढ़ाएं। कहाँ से कहाँ सड़क बन रही है, ये कितनी दूरी है? ये जो मेन सड़क बन गई लगभग 150 फीट और 10 फीट चौड़ी, और उन्होंने आप जाके देखेंगे निकासी की व्यवस्था भी नहीं की है, पानी निकल जाए ऐसी व्यवस्था उन्होंने नहीं की है, ना ही कोई पोंगा डाला कि भाई आप पानी तो निकले, अब भरा हुआ पानी, कल बरसात हुई है, आप निश्चित तौर पर जाके देखें पानी भरा, फसल भी नष्ट हो रही है। निर्माण एजेंसी कौन, पंचायत बनवा रहा है कि अपने से जबरदस्ती रोड? अब खुद जब SDM साहब आए हुए हैं, पंचायत को सूचित नहीं किया गया था, सरपंच आके खड़ा हुआ, उन्होंने अपने से मटेरियल पहले से आके उनका तैयार था, पुलिस बल आ चुका था अत्यधिक मात्रा में, उन्होंने फोन किया और उसके बाद सीधे जहाँ से SDM साहब आए और उन्होंने सीधे डालना शुरू कर दिया। अच्छा, कुल मिलाकर सिर्फ ये आपकी जो जमीन गई इस डर से गई कि आप दूसरी पार्टी के हैं, उनको वोट नहीं दिया, शासन प्रशासन ने मिलकर आपकी जमीन पर सड़क बनाई। जी सर, जी सर, उन्होंने मतलब बोबा खेत को इस तरह तहस नहस कर दिया, फसल भी लगी हुई थी जी, उर्दा बोया था खेत में, नष्ट कर दिया और JCB डाल दिया है, और अभी आप जाएंगे देखेंगे तो पूरे खेत में पानी भरा हुआ है, और ये जानते हैं कि अभय मिश्रा के आदमी, इनको प्रताड़ित किया जाए। केपी त्रिपाठी ने बहुत गलत किया है, ये तिलनी गांव में आप लोग देख लीजिए, ये देखिए जबरदस्ती रोड पड़ रही है, एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है,
आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड न पड़ जाएगी। केपी त्रिपाठी ने सीएम को पैसा दिया, एसपी को दिया, कलेक्टर तक को वो घोषित कर लिया। एक दिन सूचना देना चाहिए कि रोड पड़ रही है। आए डायरेक्ट रोड ना दिए, बस किसी के पट्टे की जमीन में रोड न पड़ जाएगी। आपने देखा किस तरह से जरमोहरा में खड़ी हुई फसल नष्ट करने के बाद प्रशासनिक अमले ने एक बार फिर मनकहरी में किसानों की फसल पर बुलडोजर चलाया, और यह सब हुआ है स्थानीय विधायक केपी त्रिपाठी की सह पर, जो हमारा नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता का आरोप है। अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज चैनल के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।